सबके पालनहार भगवान इन दिनों नेताओं के लिए सबसे हॉट टॉपिक है। भगवान का नाम लेकर नैया पार लगाने की कोशिश जोरों पर है। पहले राम के नाम पर सियासत हुई, अब एक और हवा दे दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो धर्म के नाम पर सियासत की नई लकीर खींच दी है। अब तक धर्म के नाम पर राजनीति होती थी, ममता एक कदम आगे बढ़ गई और भगवान को भी पार्टियों में बांट दिया है। ये वाले भगवान हमारे और ये वाले भगवान तुम्हारे। मंदिर बनिए दिए बोलचे जय श्री राम। अरे भाई আমরা কাকে পূজা করি? মা দুর্গা। মা দুর্গাকে রামচন্দ্র তাকে পূজা করেছিল, তো আমরা রামচন্দ্রের পূজা করব না মা দুর্গার পূজা করব? কোনটা করব? ওদের নেতা নাকি জয় শ্রী রাম, আমাদের নেতা মা দুর্গা। আরোপ মমতা ব্যানার্জি নে অর ভি বড়া লাগায়া। মমতা কা দাওয়া হ্যায় কি বিজেপি রাম কি পূজা নাহি করতি বলকি রাবণ কি পূজা করতি হ্যায়। ওরা রাবণের পূজা করে, ওরা রামের পূজো করে না। ওটা লোক দেখানো, ওটা ভোট দেখানো, ওটা নির্বাচন দেখানো। आरोप लगे तो बीजेपी वाले पलटवार कैसे न करें। बिना किसी देरी के गिरिराज सिंह ने ममता पर प्रहार किया और आरोप लगाया कि ममता माँ दुर्गा को नहीं मानती, वो जय करती हैं तो सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की। जिस दुर्गा की बात कह रहे हैं, ममता बनर्जी के राज में दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए दर दर की ठोकरें हिंदू को खाना पड़ा। ममता बनर्जी न हिंदू भक्त है, न ममता बनर्जी राम भक्त है। ममता बनर्जी वोटर भक्त हैं, उनके लिए तो बांग्लादेश जय जय है। बांग्लादेशी घुसपैठी को वो जय जय कहते हैं। हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी ने कभी भी राम का नाम इस्तेमाल कर बीजेपी पर हमलावर रुख अख्तियार नहीं किया था, लेकिन इस साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भगवान का नाम लेकर बहुत कुछ भुनाने की कोशिश जरूर की है, इस्तेमाल किया है। ममता बनर्जी बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के जवाब में माँ दुर्गा की बात कर रही है।